हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी सी टिक्की। तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए हैं आलू, धनिया, हरी मिर्च, और साथ के साथ हमें चाहिए है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम को मैंने ब्राउन ब्रेड लिया, उसे अच्छे सेक के मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अब मैं बॉयल आलू को लेके अच्छे से एक बाउल में ले लूँगी और उसे अच्छे से मैश कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से जो है मैं इसे मैश कर लूँगी। इसके अंदर मैं फिर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम, फिर थोड़ा सा धनिया, साथ के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप डाल सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट में। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ नमक, गरम मसाला और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है, मैंने स्किप किया है उसे। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इसे अच्छे से जो है मैं मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। एक डो बना लिया है, और हाथों में आप हल्का सा तेल ले लीजिए और इसे इस तरीके से रोल कीजिए। अच्छे से उसे रोल करने के बाद आप फिर अब दोबारा अपने हाथ में तेल लीजिए और थोड़ा सा डो को लेकर आप उसे इस तरीके से जो है टिक्की की शेप बना लीजिए। जितनी मोटी या पतली आपको चाहिए या छोटी बड़ी आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बना रही हूँ इस तरीके से। और एक तवे पे मैंने हल्का सा ऑयल ऐड किया है और उसे इस तरीके से एक तरफ मैंने रख दिया है सेकने के लिए। थोड़ा सा जब वो सॉफ्ट हो जाए तो आप पलट दें, फिर आप उसे एकदम साइड में रख दें। दूसरी भी ऐसी करें, और धीरे धीरे करने के बाद लास्ट में आप इसे दोबारा फ्राई करेंगे तो इस तरीके से जो है कलर आएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रंची बनी है, बहुत ही यम्मी थी, खाने में टेस्टी बहुत ज़्यादा थी। एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से जो है आप इसे बना सकते हैं। आप इसे ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ जो है आप इसे मिक्स करके, और ये हो गई है हमारी तैयार टिक्की। तो चलिए इंजॉय करते हैं इसको, फिर मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।